लोहारू में जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बात सभी जानते भी हैं। उन्होंने कहा कि इस महंगाई और भ्रष्टाचार का निपटारा तभी हो सकता है जब सही तरह के उम्मीदवार पार्टी में आएंगे। प्रदेश में इन दिनों चुनावी तपिश बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में 10 अप्रैल को मतदान होने हैं। जाहिर है प्रत्याशियों और नेताओं के पास अब समय काफी कम और अहम बचा है। इस चुनावी मौसम में हर उम्मीदवार लोगों के पास जाने से नहीं चूक रहा। इसी कड़ी में लोहारू के सिवानी मंडी में आयोजित कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि श्रुति चौधरी जैसे उम्मीदवारों को जिताने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। महंगाई और इसका ये सारा का सारा ये केंद्र के अंदर सरकार आएगी और इसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश होगा। अशोक पार्क में आयोजित इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल ने सम्मान की पगड़ी जो सौंपी थी उसको वो हमेशा ऊँचा रखेगी। जब मैं राजनीति में आई तो यही लक्ष्य लेके आई कि अपने पिता और दादा की तरह समर्पित रहूं। चौधरी बंसीलाल ने जो पगड़ी सौंपी उसकी लाज रख सकूं। आम चुनावों का काउंटडाउन बरकरार है। हर पार्टी के नेता लोगों से समर्थन जुटाने में व्यस्त हैं। ऐसे में श्रुति चौधरी भी चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। देखना ये है कि श्रुति चौधरी को यहाँ की जनता हैट्रिक का मौका देती है या फिर नहीं। लोहारू से महासिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।